हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। क्या होता है दर्पण सूत्र? एक बटे एफ बराबर एक बटा बी प्लस एक बटा यू। एफ होती है दर्पण की फोकस दूरी, वी होती है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यू होती है दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी। क्लियर? अब हम दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण की सहायता और उत्तल दर्पण की सहायता दोनों से हम ड्राइव कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक अवतल दर्पण लिए हैं जिसका हमने नामकरण कर दिया, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, M1, M2। इस दर्पण के सामने अनंत व सी के मध्य कोई बिंब ए बी रखा है। ए बी से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी? कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, कहाँ पे आपतित हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस। दूसरी वाली प्रकाश किरण हमने ली, वो हमने वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित करा दी। किस पे आपतित करा दी? दर्पण पर। तो जब ये दर्पण पर आपतित होगी, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो इस आपतित प्रकाश किरण की ये किरण है वो परावर्तित है, और ये जो आपतित हो रही थी प्रकाश किरण इसी मार्ग पर वापस परावर्तित प्रकाश किरण मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हमने कह दिया a'b'। ये हमारा बन गया चित्र। अब हमें इसकी लिखनी है थ्योरी। क्या लिख देंगे? चित्रानुसार अवतल दर्पण M1 M2 के सामने कोई बिंब ए बी रखा है जो अनंत व सी के मध्य है। इस बिंब का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश चित्रानुसार प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें एक काम और करना है। यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेंगे डी। क्या ले लेंगे? डी। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट क्या लिया? डी। और डी से एक हमने मुख्य अक्ष पर अभिलंब डाल दिया जिसे हमने कह दिया डी एम। पॉइंट डी से आपने क्या किया? मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाला। ठीक है, पॉइंट डी से मुख्य अक्ष पर आपने अभिलंब डाला, ठीक है, जिसे हमने क्या कह दिया? डी एम। अब आप चित्र में देखेंगे आपको अपने त्रिभुजों की सहायता से इसको सॉल्व करना है। तो आप चित्र में देखेंगे, चित्र से पहले हम ये दो त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। क्लियर? कौन से लेंगे त्रिभुज? चित्र से त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। कौन कौन से त्रिभुज में? ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। क्लियर? ये वाला आप कोण देखो कितना है, 90 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी में जो कोण ए है वो कितना है? 90 डिग्री। और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में जो कोण ए डैश है वो कितना है? 90 डिग्री। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे ये जो कोण है वो कैसे हैं? शीर्षाभिमुख है। तो जब दो त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हो जाते हैं, जब दो त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उनका तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो इस बात को अपन नोट कर लेंगे। क्या? कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी बराबर 90 डिग्री। कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी बराबर 90 डिग्री। अब आपको लिखना है समरूप बाजू। कैसे लिखेंगे? कोण बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश। क्या लिख देंगे? कोण बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश बराबर शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन से? बी सी ए, बी सी ए और बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। अतः त्रिभुज
ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज हैं। जब ये समरूप त्रिभुज होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का लंब लिए क्या, ए बी, त्रिभुज ए बी सी का लंब लिया ए बी। इसी प्रकार अब हम त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, उसको लिख दिया हमने हर में। तो लंब दोनों त्रिभुजों के ले लिए, अब क्या ले लेने आधार। तो आधार सबसे पहले हम किसका लें, तो आधार सबसे पहले हम उसी त्रिभुज का लेंगे जिसका पहले आपने लंब लिया था। लंब किसका लिया था, ए बी सी का, क्लियर। तो अब आप देखो इसका आधार क्या है, ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी। अब बाद में आधार किसका लेना है, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का, इसका आधार क्या है, ए डैश सी बट्टा ए डैश सी, समीकरण क्या बन जाएगा, ए, क्लियर। अब आपको पुनः दो त्रिभुजों को सॉल्व करना, आपकी बार हम कौन से त्रिभुजों का यूज करेंगे, हम त्रिभुज ले लेंगे एन डी एफ, एन डी एफ और ए डैश बी डैश एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये वाला कोण कितना है 90, कोण ए डैश 90 डिग्री है और कोण एन कितना है, ये भी 90 डिग्री है। तो आप इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, आप क्या लिखेंगे, पुनः चित्र से, ठीक है, त्रिभुज डी एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, कौन कौन से में, डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, क्या लिखेंगे आप, कोण डी एन एफ बराबर कोण ए डैश, सॉरी, कोण डी एन एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर 90 डिग्री। कौन कौन से कोण लिए आपने, डी एन एफ और बी डैश ए डैश एफ बराबर 90 डिग्री। अब आप समरूप पाई ले लेंगे, सॉरी शीर्षाभिमुख, तो एक ये और ये दोनों कोण आपके कैसे हैं, दोनों त्रिभुजों में शीर्षाभिमुख हैं। तो आप क्या लिखेंगे, कोण डी एफ एन, डी एफ एन बराबर कोण बी डैश एफ ए डैश बराबर कोण बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ बी डैश एफ ए डैश, कैसे हैं, शीर्षा भी मुख कौन, ब्रैकेट में लिख देंगे, इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में। जब इनके दो दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। लिख देंगे अतः त्रिभुज डी एन एफ, अतः त्रिभुज डी, अतः त्रिभुज डी एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, कौन कौन से, कौन कौन से त्रिभुज, डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज हैं। कौन, जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अपन क्या लिख देंगे, वही अभी जो हमने लिए थे, कौन कौन से भुजाएं ली थी, लंब और आधार। तो अब हम पहले लंब किसका ले लेते हैं, डी एन एफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हैं, अतः
सबसे पहले हम लंब लेते हैं, वो लिखते हैं त्रिभुज डी एन एफ आई। डी एन एफ आई क्या है लंब? डी एन क्या लंब है आपका? डी एन। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है आपका? ए डैश बी डैश एफ। इसका लंब देखो कितना है, वो है आपका ए डैश बी डैश। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों के हमने लंब लिए और लंबों का अनुपात ले लिया। आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार। तो दोनों त्रिभुजों के हमने लंब ले लिए बराबर। अब आपको क्या लेना है? आधार। तो आधार पहले हम उसी त्रिभुज का लेंगे जिसका पहले हमने क्या लिया था? लंब। तो लंब आपने पहले किसका लिया था? डी एन एफ का। अब इसका देखो आधार कितना है, आधार जो है वो क्या है? एन एफ। तो हमने दिया बराबर एन एफ बट्टा। अब आधार आप किसका लोगे? त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का। ए डैश बी डैश एफ का आधार कितना है? ए डैश एफ। क्लियर, कोई समस्या? अब आप आगे देखेंगे चित्र में कि जो डी एन डिस्टेंस है, एन से लेके डी की डिस्टेंस है, वो ही डिस्टेंस ए से लेके डी की होगी। क्यों? क्योंकि अगर दो समांतर लाइनें हैं और उनके बीच में कहीं पर भी लंब डाल दिया जाए तो उस लंब की जो लंबाइयां होती हैं वो कैसी होती है? बराबर। दो समांतर लाइनों के बीच आप कितने भी लंब खींच लें, प्रत्येक लंब की लंबाई कैसी होगी? समान। तो ये लाइन यानी कि मुख्य अक्ष और आपतित प्रकाश किरण परस्पर समांतर हैं, तो इनके बीच में ए बी भी एक प्रकार का लंब है, डी एन भी एक प्रकार का लंब है, तो ये कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। आप लिख देंगे चूंकि चित्र से DN बराबर, चित्र से DN बराबर AB, इसलिए आप लिख सकते हैं AB अपॉन A डैश बी डैश बराबर, भाई DN की जगह अपन को क्या लिखना है? AB क्या हो गया? AB अपॉन A डैश बी डैश बराबर NF अपॉन A डैश F। क्लियर, NF अपॉन A डैश F। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा होने का मतलब कि दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो छोटा हो। हमने चलो इसी दर्पण का एक परम चतुष्फलक लेते हैं, जैसे ये छोटा सा हमने एक दर्पण ले लिया, सीधी सी बात है जब छोटा दर्पण लेंगे तो उसका जो द्वारक होगा वो छोटा होगा। तो हमने यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आपतित करा दी, क्लियर, छोटा दर्पण है, छोटे द्वारक का दर्पण है, तो हमने एक प्रकाश किरण यहाँ आपतित करा दी। आपतित करा दी, सपोज दैट यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा? डी है ना, और यहाँ पॉइंट क्या होगा? पी। अब हमको डी से मुख्य अक्ष पर लंब डालना है, तो डी से जब आप मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे, जो आपने एन डाला था वो लगभग आपको कहाँ मिलेगा? पॉइंट पी पर ही मिलेगा। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है, जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तब जो ये बिंदु P व N कैसे हो जाएंगे? संपाती। ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा, दर्पण का द्वारक छोटा हो तब बिंदु P व N संपाती होंगे। ठीक है, बिंदु P व N संपाती होंगे, कहने का मतलब क्या है कि जो बिंदु N है वो बिंदु P पर पहुंच जाएगा, जो बिंदु N है वो बिंदु P के ऊपर पहुंच जाएगा। कौन सा वाला बिंदु? N किसके ऊपर पहुंच जाएगा? P के। तो यहां पे भी आपने क्या लिखा है? एन एफ। क्या लिखा हुआ आपका? एन एफ। तो जब पॉइंट आपका एन है, जो बिंदु एन है वो कहां पे पहुंच गया? पी पे। जो बिंदु एन है वो बिंदु पी के ऊपर पहुंच गया, तो एन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? पी, क्योंकि जहां पर एन है वहीं पर पी है, जहां पर पी है वहीं पर एन है, दोनों आपस में कैसे हो गए? संपाती। ठीक है, कि जब आपका बिंदु पी व एन कैसे हो जाएंगे? संपाती। कौन कौन से बिंदु आपके संपाती हो जाएंगे? बिंदु पी व एन। जब बिंदु P व N संपाती हो जाएंगे तो बिंदु P पर ही बिंदु N होगा। जब बिंदु P पर बिंदु N होगा तो चाहे आप उसे बिंदु P कहो या N कहो, एक ही बात है। तो हम N को क्या ले सकते हैं? P। इसका मतलब आप क्या ले सकते हैं? अतः NF बराबर PF। ठीक है,
ठीक है, एनएफ बराबर पीएफ हो जाएगा, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, एबी अपॉन ए डैश बी डैश, एबी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर पीएफ, बराबर पी एफ, एनएफ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं पीएफ, एनएफ है इसी जगह हमने क्या लिख दिया पीएफ अपॉन ए डैश एफ, सभी का कितना बन जाएगा दो। अब आप देखें ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, इसका LHS है वो क्या है AB upon A dash B dash, इसका LHS है वो क्या है AB upon A dash B dash। तो आप देख रहे हैं समीकरण एक और दो दोनों की LHS बराबर है, जब LHS बराबर है तो इनकी RHS भी कैसी होंगी बराबर होंगी, तो अपन क्या लिख सकते हैं AC upon A dash B, समीकरण एक की RHS ले ली बराबर समीकरण दो की RHS, समीकरण दो की RHS क्या है PF upon क्या हो जाएगा A dash F। अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए कि AC की डिस्टेंस कितनी होगी, A'C की डिस्टेंस कितनी होगी, PF की डिस्टेंस कितनी होगी, A'F की डिस्टेंस कितनी होगी, क्लियर। तो ध्यान दें ये P आपका ध्रुव है, AB आपका बिंब है, ध्रुव से लेके बिंब की दूरी कहलाती है U, क्या कहलाती है, तो ध्रुव से लेके हमने बिंब की दूरी अर्थात P से लेके A तक की जो दूरी है वो U लिख दी, और P से लेके C तक की दूरी, यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, आप ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है R, P से लेके A डैश तक की दूरी अर्थात A डैश की डैश क्या है प्रतिबिंब, तो P से लेके A डैश तक की दूरी हो जाएगी प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हम क्या कहते हैं पी, P से लेके F तक की दूरी क्या कहलाती है फोकस दूरी, किससे शो करते हैं F से। अब ध्यान देने वाली जो बात है इस पर आप थोड़ा गौर करेंगे कि आपकी आपतित प्रकाश किरण की दिशा यही तो है, और आप दूरियां मापते हैं ध्रुव से, तो आप ध्रुव से F पे आए, ध्रुव से A डैश पे आए, ध्रुव से C पर आए, ध्रुव से A पर आए, आप जो चल रहे हैं वो आपतित किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी चिन्ह माइनस का, यहाँ पे भी चिन्ह माइनस का, यहाँ पे भी चिन्ह माइनस का, और यहाँ पे भी चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब आपको चाहिए एसी, क्या चाहिए एसी, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, मालूम है कि आपको ये दूरी नहीं मालूम है, तो आपके पास पी से लेके ए तक की दूरी है, पी से लेके ए तक की दूरी माइनस यू है, और पी से लेके सी तक की दूरी भी आपके पास माइनस आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं पी ए में से पी सी को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है, पी से लेके ए तक की डिस्टेंस में से पी से लेके सी तक की डिस्टेंस को किया हमने माइनस, क्या हो जाएगा पी ए माइनस पी सी, बट्टे में क्या लिखा आपका ए डैश सी, ये आपको डिस्टेंस चाहिए ए डैश सी, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस चाहिए, तो आपको ज्ञात है क्या नहीं ज्ञात है, तो आप पी से लेके सी तक की डिस्टेंस में से पी से लेके ए डैश तक की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पी से लेके सी तक की डिस्टेंस भी मालूम है आर, और पी से लेके ए डैश तक की डिस्टेंस भी मालूम है वी, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे पी सी माइनस पी ए डैश। अब आपको चाहिए क्या पी एफ, यानी कि पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस, पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस, यानी कि ध्रुव से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है फोकस दूरी, माइनस एफ, ज्ञात है आपको ये है ना। अब आपको चाहिए ए डैश एफ, ज्ञात है क्या इतनी डिस्टेंस मालूम है यहां से लेके यहां तक ए डैश एफ, ये नहीं है मालूम, तो आप क्या करेंगे पी से लेके ए तक की डिस्टेंस में से पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस कटा देंगे, क्योंकि आपको पी से लेके ए तक की डिस्टेंस भी मालूम है और पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस भी मालूम है, तो पी ए डैश माइनस पी एफ कह देंगे, पी ए डैश माइनस पी एफ, ठीक है। अब आप देखेंगे चित्र में पी से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी है, पी से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी है माइनस यू, तो हमने पी ए की जगह दिया माइनस यू, कह दिया माइनस यू, और माइनस की जगह माइनस। अब पी सी की डिस्टेंस देखो, पी से लेके सी तक की डिस्टेंस, पी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या है माइनस आर, तो हमने लिख दिया माइनस आर, चिन्ह से लिखेंगे माइनस, इस माइनस की जगह ये माइनस। अब देखो पी से लेके सी तक की डिस्टेंस, अभी आपने लिखी पी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या लिखी माइनस आर, तो हमने लिख दिया माइनस आर, माइनस की जगह माइनस,
अब आपको चाहिए B से लेके A डैश तक की डिस्टेंस, देखो कितनी माइनस V, तो हमने B से लेके तक की डिस्टेंस अर्थात PA डैश कितनी होगी माइनस V बराबर माइनस F की जगह माइनस P से लेके A डैश तक की डिस्टेंस, अभी आपने नोट करी थी P से लेके A डैश तक की डिस्टेंस माइनस V, माइनस की जगह माइनस का चिन्ह, P से लेके F तक की डिस्टेंस है ना, P से लेके F तक की डिस्टेंस कितनी है माइनस एफ, तो P से लेके F तक की डिस्टेंस को हमने लिख दिया माइनस F, कोई समस्या किसी को। अब आपका जो दर्पण समीकरण होता है वो क्या होता है एक बटे F बराबर एक बटा V प्लस एक बटा U, क्या होता है एक बटे F बराबर एक बटा V प्लस एक बटा U, एक बटे F बराबर एक बटा V प्लस एक बटा U, इसमें कहीं R आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, लेकिन यहाँ पे आपका R आ रहा है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, यानी उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं इसको चिन्हों को सॉल्व करते हैं, माइनस यू और माइनस माइनस प्लस, माइनस यू प्लस आर बट्टे माइनस आर की जगह माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो गया बी बराबर माइनस एफ की जगह माइनस एफ, माइनस एफ की जगह माइनस एफ, माइनस बी की जगह माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एफ की जगह आपका एफ रहेगा, यहाँ पे क्या था एफ। अब आपने ये चिन्ह भी सॉल्व कर लिए, अब आप देखते हैं इस समीकरण में कहीं आर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आर आपका दो जगह आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपने पढ़ा है कि चूंकि आर बराबर क्या होता है 2f, तो जहां पर भी आर आ रहा है उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे 2f लिख देंगे, ठीक है, तो माइनस यू प्लस, यहाँ देखो आर आ रहा है क्या हो गया प्लस 2f बट्टा, यहाँ पे आर है लेकिन पहले माइनस का चिन्ह है, माइनस की जगह माइनस, आर की जगह अपन ने क्या लिख लिया, आर की जगह अपन लिख लेंगे 2f, प्लस की जगह इस प्लस की जगह प्लस का चिन्ह, वी की जगह वी बराबर माइनस एफ की जगह माइनस एफ बट्टा माइनस वी की जगह माइनस वी और एफ की जगह एफ, कोई समस्या, इन दोनों को आपको चेंज करना था कर लिया चेंज। अब इसके बाद जो आपको करना है वो करना है पंच गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे और इसका गुणा हो जाएगा इससे, तो क्या होगा माइनस यू प्लस टू एफ, इस पूरे कोष्टक का गुणा इस पूरे कोष्टक से होगा माइनस यू प्लस टू एफ, माइनस यू प्लस टू एफ मल्टीप्लाई बाई माइनस बी प्लस एफ, माइनस बी प्लस एफ बराबर, अब इसका गुणा करना है इससे, तो बराबर में क्या लिखेंगे माइनस टू एफ, यहां पे क्या है प्लस माइनस टू एफ प्लस वी, माइनस टू एफ प्लस वी, इसका गुणा किससे करना है माइनस एफ से, तो यहां पर लिख दिया हमने माइनस एफ, क्लियर, तो अब इनका हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है, तो सबसे पहले माइनस यू का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस यू का गुणा माइनस बी से करेंगे तो क्या हो गया प्लस का यू वी, माइनस यू का गुणा एफ से करेंगे तो क्या होगा माइनस का यू एफ, ठीक है, माइनस यू का गुणा माइनस बी से करेंगे प्लस का यू बी, माइनस यू का गुणा एफ से करेंगे माइनस यू एफ, तो माइनस यू का गुणा तो कर लिया, अब टू एफ का गुणा करेंगे, टू एफ का गुणा बी से करेंगे तो जाएगा माइनस टू एफ बी, टू एफ का गुणा प्लस एफ से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर बराबर, माइनस टू एफ का गुणा माइनस एफ से करेंगे, माइनस टू एफ का गुणा माइनस एफ से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का टू एफ स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस टू एफ का गुणा माइनस एफ से कर लिया टू एफ स्क्वायर हो गया, अब कौन बचा गुणा करने के लिए बी, बी का गुणा एफ से करेंगे तो एफ बी हो जाएगा लेकिन माइनस का चिन्ह तो क्या हो जाएगा माइनस एफ बी। अब आप इस समीकरण में देखें कहीं पर भी प्लस का चिन्ह सॉरी कहीं पर भी माइनस का चिन्ह नहीं आता है, तो इसमें इस साइड में ये दो वैल्यू माइनस की है तो इनको हम ट्रांसफर करके उस साइड में ले जाएंगे, ठीक है, उससे पहले देखें जो LHS में 2F square है, RHS में भी 2F square है, तो 2F square से 2F square क्या हो जाएगा? Cancel हो गया। तो इस side में केवल कौन बचा? U भी बचा, तो U भी को हमने U भी लिख दिया। अब इस side में देखो कौन बचा? Minus FB। तो बराबर हमने लिख दिया minus FB। अब इस side की ये जो दो value हैं, minus UF और minus 2FB, minus UF और minus का 2FB, इनको transfer करके आप RHS में ले जा रहे हैं तो एक आई हो जाएंगे प्लस की, माइनस यू एफ को ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का यू एफ, माइनस यू एफ ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो प्लस का यू एफ, और माइनस टू एफ बी को ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो प्लस का टू एफ बी, कोई समस्या,
यहाँ देखो माइनस का एफ बी है, यहाँ देखो प्लस का टू एफ बी है, तो माइनस एफ बी और प्लस टू एफ बी को सॉल्व करेंगे, प्लस के दो है माइनस का एक है, बचेगा कितना एफ, हाँ बचेगा कितना ए, तो क्या हो जाएगा यू बी बराबर माइनस एफ बी ये रहा प्लस टू एफ बी ये रहा, प्लस के दो हैं माइनस का एक है तो कितना बचेगा प्लस का एक, यानी टू एफ बी में से माइनस के एफ बी को आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा एफ बी, टू एफ बी में से इसको आपने निकाला माइनस एफ बी को क्या बचा एफ बी, ठीक है प्लस टू माइनस एक प्लस का एक बचेगा, प्लस देखो इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, अब क्या बचा यूएफ, तो यूएफ की जगह यूएफ, क्लियर। अब आप क्या करेंगे दोनों पक्षों में यू बी एफ का भाग देने पर, इसका भाग देने पर यू बी एफ का भाग देने पर, जब यू बी एफ का भाग देने पर क्या आएगा यू बी अपॉन यू बी एफ बराबर एफ बी अपॉन यू बी एफ बराबर यू बी में भाग लगाया यू बी एफ का, बराबर की जगह बराबर एफ बी में भाग लगाया यू बी एफ का, प्लस की जगह प्लस यू एफ में भाग किसका लगा देंगे यू बी एफ का। अब देखो यू से यू कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बचा एक बटा एफ बराबर एफ से एफ कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बचा एक बटा यू, प्लस की जगह प्लस का चिन्ह, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, क्या बचा वन अपॉन वी। तो इस प्रकार आपका क्या आ गया व्यंजक दर्पण सूत्र, एक बट्टे एफ बराबर एक बट्टा बी प्लस एक बट्टा यू, यही होता है आपका दर्पण सूत्र, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।